नमस्कार। रायगढ़ जिले के शैल चित्रों की चलचित्र श्रृंखला में आज हमारा लक्ष्य है बसनाझर की पहाड़ी में स्थित शैल चित्रों का अवलोकन करना। बसनाझर रायगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर पश्चिम में, जबकि खरसिया रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर आग्नेय कोण में स्थित है। यहीं पर हरी भरी वनस्थली है और इन्हीं से घिरी हुई एक पहाड़ी पर स्थित है आदिमानवकालीन शैल चित्र। दुपहिया अथवा चार पहिया वाहनों की सहायता से पहाड़ी के निकट पहुंचा जा सकता है। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा और आज हम पहुंच चुके हैं बसनाझर और पूर्व दिवस की भांति आज भी मेरे साथ हैं श्री चंद्रशेखर वैष्णव जी। और बसनाझर में ये मेरे पीछे आपको जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पर अंकित हैं हमारे पूर्वजों की अभिव्यक्तियाँ अर्थात शैल चित्र। तो आइए पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और अवलोकन करते हैं उन शैल चित्रों का। इन पहाड़ी मार्गों से होकर शैल चित्रों तक पहुंचना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। कारण है वातावरण की उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान, साथ ही पथरीले मार्ग यात्रा को और कठिन बनाते हैं। तथापि पहाड़ी के शीर्ष से नीचे का दृश्य अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। ऊपर से आप नीचे का ग्राम्य दृश्य देख सकते हैं। पार्श्व में प्रदर्शित इस विशाल शिलापटल पर अंकित हैं शैल चित्र। नीचे उतरते हुए इन तक पहुंचना होता है। मार्ग तनिक कठिन है। इस स्थान से हम इस गगनचुंबी शिला की भव्यता निहार सकते हैं। इसे शिलापट्ट पर स्थान स्थान पर अंकित हैं आदि मानवों के शैल चित्र। आइए अवलोकन आरंभ करते हैं। पटल पर आप देख सकते हैं एक पशु का चित्र और उसके पार्श्व में मानवों की एक पंक्ति जो अपने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। इस पंक्ति के ऊपर अंकित है एक पशु जिसके मध्य से पत्थर का एक टुकड़ा निकल चुका है। आप देख सकते हैं सूकरों की एक पंक्ति, उसके पीछे एक मनुष्य और उसके नीचे प्रदर्शित हैं दो और सूकर। कुछ लोग इन्हें गैंडे भी समझते हैं। ऊपर वही मानव और नीचे ये चित्र देखकर आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। कुछ गैरिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं। आगे प्रस्तुत है इस स्थान का परिचायक चित्र। इस स्थान पर शैल चित्र संख्या में भले कम हैं, परंतु इनकी स्पष्टता अधिक है। आइए इनका निकट से अवलोकन करते हैं। आप देख रहे हैं एक अधोमुख पशु, उसके ऊपर एक और गहरी आकृति। पार्श्व में एक चौकोर आकृति जिसके एक किनारे पर एक बिंदी अंकित है। उसके पार्श्व में बैल अथवा यह कोई अन्य पशु का चित्र भी हो सकता है। एक उल्टे लटके हुए पशु का चित्र, एक अन्य पशु जो अधोमुख है, दो अन्य पशुओं के रेखा चित्र। इस प्रकार आप देख सकते हैं गाय बैलों के चित्र भी इन स्थानों पर अत्यधिक हमें मिलते हैं। यह एक वानर का चित्र है और उसके नीचे किसी अन्य पशु का चित्र। उनके पार्श्व में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, ऊपर एक और चौपाए का रेखा चित्र है। इस स्थान पर
पशुओं के अतिरिक्त विविध ज्यामितीय आकृतियों का भी अंकन है। आप देख सकते हैं कुछ अन्य पशुओं के चित्र। यह एक जालिकाकार मानवाकृति है, उसके ऊपर भी दो पशुओं का अंकन है। कुछ अन्य आकृतियां भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके पार्श्व में संभवतः एक वन भैंसे का चित्र है। इस स्थान पर कुछ चित्र अत्यंत धुंधले भी हो चुके हैं, जो पहचान में नहीं आते, जबकि कुछ अत्यंत स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। ये कुछ अस्पष्ट आड़ी तिरछी रेखाएं जो क्या हैं, इन्हें हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। ऊपर एक गैंडे का चित्र आप देख सकते हैं। मेरे विचार से यह गैंडा है। ऊपर से पानी गिरने के कारण कुछ आकृतियां धुंधली हो चुकी हैं व कुछ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। हजारों वर्षों से इसके ऊपर पानी की धार बहती रही है, इस कारण कुछ चित्र अस्पष्ट हो चुके हैं, परंतु कुछ स्पष्ट हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह मानव आकृति। यहाँ हमें कुछ पशुओं के झुंड दिखाई देते हैं व ऊपर धनुष अथवा तीर जैसा कोई हथियार पकड़ा हुआ एक मनुष्य दिखाई देता है। कुछ अन्य मनुष्य भी दिखाई देते हैं। क्या यह मोर का चित्र है अथवा शुतुरमुर्ग का? कुछ भी हो, इसकी गर्दन लंबी है और यह एक धुंधली मानवाकृति जो गैरिक रंग में दिखाई दे रही है। इस प्रकार इस स्थान पर हमें विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, मानव व ज्यामितीय आकृतियों के चित्र देखने को मिलते हैं। हजारों वर्षों से प्रकृति से संघर्षरत हमारे पूर्वजों की ये अभिव्यक्तियाँ आज भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम रही हैं। हमने एक और ऐतिहासिक धरोहर का परिचय आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।